हेलो एवरीवन वेलकम टू एडियो टैप सो इन टूडेज जैप फाउंडेशन डिस्कसिंग द टॉपिक प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम तो ये जो हमारी स्कीम है ये जो प्रोग्राम है ये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है ठीक है तो इसमें आपका जो क्रेडिट का बर्डन है अगर आपको अपने बिजनेस करने के लिए क्रेडिट चाहिए तो आप बैंक से लोन लेते हैं तो वो वाला जो बर्डन है कम हो जाता है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है ये इनिशियटिव है ऑफ एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो यहाँ पे जो नोडल एजेंसी है वो के वी आई सी है यानी के खादी और ग्रामोद्योग आयोग है जो खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन जो है वो इसका नोडल एजेंसी है स्टेट लेवल पर अगर बात करें तो स्टेट के वी आई सी इसे इंप्लीमेंट करते हैं स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री बोर्ड्स और बैंक्स इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं जो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो गवर्नमेंट सब्सिडी डेजिग्नेटेड बैंक्स के थ्रू रूट होती है और इवेंचुअली बेनिफिशरीज को एंटरप्रेन्योर्स के डायरेक्टली बैंक अकाउंट में इसका बेनिफिट आ जाता है और अगर आपकी जो एक्टिविटी है अगर वो क्वार के रिलेटेड है तो क्वार रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए क्वायर बोर्ड भी इंप्लीमेंटेशन में फंक्शन करता है जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं रीजनल रूरल बैंक्स हैं कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जिन्हें एस एल टीसी या सिडमी ने अलाउ किया है वो इस स्कीम के अंडर पार्टिसिपेट करते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक और रीजनल रूरल बैंक सारे ही इस स्कीम इसकी इम्प्लीमेंट करें, करेंगे लेकिन कॉपरेटिव बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक जिनको एस एल टीसी और सिडमी ने अलाउ किया है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक फैमिली का सिर्फ एक पर्सन ही प्रधानमंत्री इंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के थ्रू बेनिफिट ले सकता है अब स्कीम का बेनिफिट ये है ऑब्जेक्टिव ये है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स के थ्रू तो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए ये स्कीम है और जो भी हमारे आर्टिसंस हैं यूथ हैं उन्हें हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज प्रोवाइड करने हैं हम नहीं चाहते कि जो लोग हैं रूरल टू अर्बन एरियाज में माइग्रेट करें काम की तलाश में आपको रूरल एरियाज में ही कुछ अपना काम सेटअप करना है तो आपको पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के थ्रू बेनिफिट मिलेगा और लोगों की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो उन्हें कहीं और ना जाना पवे तो यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है स्कीम के अंडर तो आपकी एज अठारह साल से प्लस होनी चाहिए वैसे तो कोई पढ़ने लिखने का क्राइटेरिया नहीं है लेकिन अगर आपका जो प्रोजेक्ट है अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है और उसकी कॉस्ट दस लाख से ज्यादा है या आपका अगर जो बिजनेस है वो बिजनेस सेक्टर या सर्विस सेक्टर में है और उसकी वैल्यू पांच लाख से ज्यादा की है तो एट स्टैंडर्ड पास होना यहाँ पे कंपल्सरी हो जाता है इसका बेनिफिट इवन एस भी ले सकते हैं और इवन बीपीएल परिवार भी ले सकते हैं जिन्होंने किसी भी और स्कीम के अंडर बेनिफिट नहीं लिया है जो इंस्टीट्यूशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है जो प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं चैरिटेबल ट्रस्ट हैं वो भी एलिजिबल हैं आप किसी और स्कीम के अंडर अगर आपने बेनिफिट नहीं लिया है तो फिर आप इस स्कीम के अंडर बेनिफिट ले सकते हैं तो गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल सपोर्ट क्यों प्रोवाइड करती है एक तो आपको मार्जिन मनी सब्सिडी प्रोवाइड करती है कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करती है और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस के लिए पैसा देती है एक तो आपको मान लो बड़ा सेटअप करना है उसका पैसा वो आपको सरकार वहां पे सब्सिडी देगी आपको अवेयरनेस कैंप्स एग्जीबिशन इवेल्यूएशन और आपके जो खर्चे हैं उनके लिए भी सरकार आपको पैसा देती है ठीक है तो यहाँ पे अगर आपके प्रोजेक्ट का कॉस्ट पचास लाख तक का है ठीक है आपने नया काम सेटअप करना है आपको असिस्टेंस चाहिए अगर आपका प्रोजेक्ट पचास लाख तक का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है और सर्विस सेक्टर में अगर आपका बिजनेस बीस लाख रुपए तक का है तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी तो यहाँ पे अगर आपका नया सेटअप है और अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो टेन परसेंट तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट आप खुद बेयर करेंगे अर्बन एरिया में अगर आपका सेटअप है तो पंद्रह परसेंट सब्सिडी मिलेगी और रूरल एरिया में है तो आपको पच्चीस परसेंट सब्सिडी मिलेगी लेकिन अगर आप स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जैसे कि एस सी एस टीज ओबीसी माइनॉरिटीज वुमेन एक फिजिकली हैंडीकैप्ड जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लोग हैं हिल एरिया बॉर्डर एरिया के लोग हैं उन्हें सब्सिडी कितनी मिलेगी उन्हें अपने खुद से पांच परसेंट का प्रोजेक्ट कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा पच्चीस परसेंट सब्सिडी मिलेगी अर्बन एरियाज में रूरल एरियाज में उन्हें कितनी सब्सिडी मिलेगी पैंतीस परसेंट तक की सब्सिडी मिलेगी ठीक है तो यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो आपका मैक्सिमम कॉस्ट यहाँ पे इन्होंने बताई है प्रोजेक्ट की पचास लाख हो सकती है और बिजनेस सर्विस सेक्टर में बीस लाख हो सकती है लेकिन अगर आपका पुराना यूनिट है जो आप ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या मुद्रा के अंदर बेनिफिट ले चुके हो अगर आपको उसको कोई आ, रेनोवेट करना है उसको उसका कैपेसिटी वगैरह इंक्रीज करना है तो हंड्रेड लाख तक का प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और बिजनेस या सर्विस सेक्टर में ट्वेंटी फाइव लाख तक का आपका जो प्रोजेक्ट है उसे असिस्टेंस मिल सकती है नए वाले में पचास और बीस अपग्रेडेशन करना है पुराने का तो हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव लाख रुपीज का लिमिटेशन है ठीक है तो अगर आपको एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री इम्प्लॉयमेंट जनरेशन यूनिट या मुद्रा यूनिट का आपने अपग्रेडेशन करना है तब आपको पंद्रह परसेंट की सब्सिडी मिलती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और हिली स्टेट्स में बीस परसेंट की सब्सिडी मिलती है ये वो हैं जो ऑलरेडी पहले सपोर्टेड थे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या मुद्रा यूनिट्स के अंडर ऑलरेडी ये असिस्टेंस इनको मिल चुकी है अब इनको अपग्रेडेशन करना है तब भी इन्हें बेनिफिट मिल सकता है और किसी पुराने यूनिट को बेनिफिट नहीं मिलता है प्रधानमंत्री इंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत नए यूनिट्स को ही मिलता है या जो ऑलरेडी इसी स्कीम के अंडर बेनिफिट ले चुके हैं उन्हें दोबारा अपग्रेडेशन करना है उन्हें बेनिफिट मिलेगा तो अपग्रेडेशन के केस में बिजनेस सेक्टर में अगर आपका सर्विस सेक्टर में तो ट्वेंटी फाइव लैख तक का कॉस्ट है तब आपको बेनिफिट मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग में अगर हंड्रेड लाख रुपीज तक का अगर आपका कॉस्ट है प्रोजेक्ट का तब आपको बेनिफिट मिलेगा और अपग्रेडेशन के केस में बेनिफिशियरी को टेन परसेंट जो कॉस्ट है खुद से बेयर करनी पड़ती है

इनकरेज करना और इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना ये मेन मोटिव है इस स्कीम का ठीक है कि लोग खुद से बिजनेस करें इम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है अगला है द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एडमिसिबल इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज रूपीज डैश लैक्स एंड बिजनेस सेक्टर इट इज डैश लैक्स तो अगर आप एक नया प्रोजेक्ट सेटअप करते हो तो फिफ्टी लाख रुपीज का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आपका प्रोजेक्ट है तो वो एडमिसिबल होगा अंडर द स्कीम और बिजनेस सेक्टर में लाख तक का आपका होगा तो, तो मान लो अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट इससे ज्यादा का है तो आपको तो फिफ्टी एंड ट्वेंटी तक का कवरेज मिलेगा बाकी आप अगर चाहें तो आप बैंक से आपको जो है सपोर्ट मिल जाता है तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बैलेंस अमाउंट जो होगा स्कीम तो 50 और 20 तक का कवरेज देगी ना आपको जो बैलेंस अमाउंट है फिर आप बैंक से टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल लोन का बेनिफिट ले सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए है अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंस अंडर पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कंपनीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज नहीं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं एस एच जीज रजिस्टर्ड सोसाइटीज प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इवन इंडिविजुअल्स जो है, वो स्कीम के अंडर एलिजिबल हैं तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आखिरी क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा व्हाट टाइप ऑफ सब्सिडी इज प्रोवाइडेड अंडर पीएम इम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कैश सब्सिडी टैक्स सब्सिडी क्रेडिट लिंक सब्सिडी या फिर इंप्लायमेंट सब्सिडी तो इसका आंसर क्या होगा ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सो बिफोर एंडिंग द सेशन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अगर आपको हेल्प uh, चाहिए विद्यू जैब प्रेपरेशन आप हमारा मास्टर कोर्स अवेल कर सकते हैं अभी जैब 85 कोड यूज करके आप 85 परसेंट अवेल कर सकते हैं इसमें आपको फुल लेंथ एम एमसीक्यूज रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ मिलेंगे और आपके डाउट्स के लिए हमारा डिस्कशन फोरम कॉल ईमेल सब कुछ अवेलेबल है तो ये था हमारा आज का सेशन सो आई होप यू लाइक द सेशन सो दैट्स इट फॉर टूडे थैंक यू सो मच